गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम SBI बैंक और HDFC बैंक में जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है वो 6.30% है, मतलब 6.5% है। अभी बैंक में अगर मैं पैसे डिपॉजिट करता हूँ और उसमें जीवन में मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं SBI बैंक में हर साल मैं 2 लाख रुपए अगर मैं भरता हूँ और 15 साल के बाद जो फंड वहाँ पे जमा हो जाता है, अभी यहाँ पे जो फंड जमा हो जाएगा उसमें से मैं 2-2 लाख रुपए हर साल मैं निकालूँगा, तो 60 साल के बाद, मतलब अभी मैं 35 एज में अगर वो पॉलिसी लेता हूँ तो 50 साल के बाद, 15 साल के बाद मुझे 2-2 लाख रुपए वहाँ से मैं रिटर्न ले रहा हूँ। तो अगर 60 साल के बाद अगर मुझे वो 2 लाख बंद करना है और मुझे पैसा लमसम पैसा लेना है तो SBI बैंक से मुझे 34 लाख रुपए मुझे मिलता है। वही पैसा मैं अगर मेरे उम्र के 70 एज में अगर मैं लेता हूँ तो 38 लाख रुपीज़ मुझे मिलता है। मतलब मैं 2-2 लाख रुपए 15 साल के बाद, 50 साल के बाद 2-2 लाख रुपए ले रहा हूँ। 20 साल में मैंने 40 लाख रुपए लिया और बाद में अगर मैं वहाँ से पैसा ले रहा हूँ तो वहाँ से मुझे एक्चुअली 38 लाख रुपीज़ 60 एज में मिल रहा था, 70 एज में और कम मिल रहा है, मतलब 33 लाख रुपये मिल रहा है। अगर वही पैसा मैं 100 साल तक अगर 2-2 लाख रुपए ले लूँगा तो विथ इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट्स में से जो भी पैसा थोड़ा थोड़ा निकालूंगा तो 100 ईयर में मुझे खाली 2.5 लाख ही मेरा लमसम बचता है। मतलब 100 साल तक मैं जीऊँगा तो मुझे खाली 2.5 लाख ही SBI से मिलेगा। अभी मैं जीवन उमंग में वही पॉलिसी ले रहा हूँ, 2-2 लाख रुपये हर साल भर रहा हूँ और 15 साल के बाद मुझे 2-2 लाख रुपये मिल रहा है। अगर मुझे लगता है कि 60 साल के बाद, मतलब 10 साल मैंने 2-2 लाख रुपए लिया और बाद में मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे जो भी है सरेंडर करके पॉलिसी का अमाउंट लेना है, तो वहाँ पे 59 लाख रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। और वही पैसा मैं 70 साल में ले रहा हूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। मतलब 2-2 लाख तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मेरा कॉर्पस, मेरा सरेंडर करेंगे तो मेरा कॉर्पस मेरे पास 1 करोड़ आता है एज के 70 एज में। अगर वही 100 साल में मैं अगर ले लूँगा तो मुझे 1 करोड़ 55 लाख रुपये अगर मिलेगा। मतलब जितना रिस्क हो रहा है उसका 90% अमाउंट सरेंडर वैल्यू में अपने को मिलता है। इसका सर्कुलर भी है, उसमें LIC में दिखता है और 8% आपको गारंटेड है। दूसरी इसमें ये चीज़ है कि LIC से 2 लाख रुपये आपको अगर मिल रहा है पेंशन के तौर पर, वो टैक्स फ्री है। अगर वही पैसा आपको बैंक से 2 लाख रुपये मिल रहा है जिसका ज़्यादा इनकम है तो उसका 30% के स्लैब में 60 हज़ार रुपये तो उसका इसमें जाएगा, इनकम टैक्स में जाएगा, लेकिन LIC में जो 2 लाख रुपये मिल रहा है वो पूरा टैक्स फ्री है। मतलब उसका 60 हज़ार रुपये भी बच रहा है, मतलब पूरा 2 लाख रुपये जो आ रहा है वो टैक्स फ्री आ रहा है। इसलिए वो प्लान जो बड़े जिनका इनकम अच्छा है उनके लिए ये प्लान बहुत ही अच्छा है। मतलब टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, 8% से रिटर्न मिल रहा है और फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा अमाउंट भी नॉमिनी को मिल रहा है। और बीच में कुछ हुआ तो नॉर्मल कुछ होता तो 25 लाख रुपये प्लस भरा हुआ पैसा भी रिटर्न मिल रहा है, एक्सीडेंटल कुछ होता है तो 50 लाख रुपये मिल रहे हैं और भरा हुआ पैसा भी रिटर्न मिल रहा है 15 सालों में। मतलब बहुत ही अच्छा प्लान है ये प्लान। अगर आप बेचोगे तो बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। उसमें भी ये है कि 15 साल का पॉलिसी है तो आपको लगता है कि 5 साल ही मेरे पास पैसा है, बाद में मुझे नहीं भरना, तो आप नहीं भी भर सकते। आपने 10 साल भरा बाद में छोड़ दिया तो भी आपको 15 साल के बाद पेंशन मिलेगा, जो भी रिड्यूस सम एश्योर्ड हो उसका 8% आपको तो गारंटेड मिलने वाला है। इसलिए ये जीवन उमंग प्लान बहुत ही अच्छा है। 31 जनवरी के बाद शायद 8% गारंटेड नहीं मिलेगा, उसमें भी कम हो सकता है, प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो अभी 31 जनवरी के पहले जितने भी आपके क्लाइंट है, हाई इनकम वाले जो क्लाइंट है, तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये प्लान से आपको बहुत कुछ अच्छा कमीशन मिलेगा। इसमें आप 5 साल भरो, 3 साल भरो, 10 साल भरो, 15 साल भरो, जो भी साल आपको भरने आप भर सकते हैं। तो ये प्लान का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले लो, ज़्यादा कमीशन कमा लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।